आज के टाइटल से तो आपने पहचान ही लिया होगा कि मेरी वीडियो किसके ऊपर है। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने लिप्स का ध्यान रखें और कैसे हमारे जो नेचुरल कलर है लिप्स का उसको हम कैसे उभारें जो कि हमारे डार्क लिप्स और पिगमेंटेड लिप्स के पीछे छुप गया है। फ्रेंड्स, आजकल क्या है, हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है, हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं फिल्म स्टार्स को, टीवी स्टार्स को, और हम देखते हैं कि वो लोग बहुत अच्छी अच्छी लिपस्टिक्स, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने लिप्स पे, तो ऑब्वियसली हम भी अट्रैक्ट होते हैं और हम यूज़ करते हैं। मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ लिपस्टिक्स की, मेरा लिपस्टिक्स के बिना गुजारा नहीं चलता। लेकिन डेफिनेटली ये जो हम लिपस्टिक्स वगैरह यूज़ करते हैं इनसे हमारे लिप्स जो हैं डेफिनेटली पिगमेंटेड होते ही हैं। मेरे लिप्स जो नेचुरली बचपन में थे अब वो वैसे नहीं हैं, थोड़े से वो डार्क हो गए हैं बट पिगमेंटेड नहीं हैं अभी, जिससे कुछ लोगों के बहुत लिप्स डार्क हो जाते हैं या कहीं पर्टिकुलर एरिया जो होता है लिप्स का वो डार्क हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो आज की बेसिकली वीडियो यही रहेगी कि मैं कैसे अपने लिप्स को नेचुरली पिंक और सॉफ्ट रखती हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीज़न क्या है जो अचानक से हम गर्ल्स देखती हैं कि हमारे लिप्स जो हैं पिगमेंटेड और डार्क हो गए हैं कुछ स्पेसिफिक एरिया से, या फिर पूरे लिप्स हमारे पिगमेंटेड हो गए हैं। सबसे बड़ा रीज़न है गर्ल्स हम एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट्स या फिर चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। हमारे साथ क्या होता है कि हम कुछ लिपस्टिक्स जो हैं प्राइस के हिसाब से देखते हैं और ले लेते हैं, उन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट या फिर एक्सपायरी डेट नहीं स्पेसिफाइड होती है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, मैंने ये बात बहुत जगह पढ़ी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कोई भी लिपस्टिक जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट के 3 साल से ज़्यादा आप यूज़ ना करें, बिकॉज वही उसकी मैक्सिमम लाइफ होती है कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न होता है लोग जो है लिपस्टिक्स ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लिप बाम्स। मैं पर्सनली भी बहुत लिप बाम्स यूज़ करती थी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया है। मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे अगर लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई और चैप्ड हो रहे हैं तो मैं घी यूज़ करूँ या फिर कोई ऑयल यूज़ करूँ, नेचुरल सब्स्टिट्यूट यूज़ करूँ, नेचुरल थिंग्स अच्छा क्या हो सकता है गर्ल्स। तो लेकिन ऑब्वियसली आप अगर लिप बाम कैरी नहीं कर सकते, घी वगैरह कैरी नहीं करते, आपको लिप बाम की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो कलर लिप बाम्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, दैट इज़ मेबली लैक्मे इन सब के, आप प्रेफर करें नॉर्मल जो क्लियर पेट्रोलियम जेली आती है आप उसे यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसमें केमिकल ज़्यादा नहीं होते हैं। तीसरी चीज़ जो रीज़न है वो हमारा होता है कि हमें हेरिडिटरी होता है कि हमारे पेरेंट्स के लिप्स जो है पिगमेंटेड रहते हैं, तो हमारे भी वाजिब है कि हमारे भी जो लिप्स हैं वो पिगमेंटेड हो सकते हैं। हम नेक्स्ट बात जो है वो होता है कि आप सन के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उस वजह से भी जो है आपके लिप्स जो है पिगमेंटेड हो गए हैं। एक और रीज़न ये है कि आप जो है आप सो जाते हैं, अपना लिप के जो प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए हैं पूरे दिन भर आप उन्हें ढंग से रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से जो पिगमेंट्स हैं वो डिपॉजिट हो गए हैं। और एक कारण और भी है कि आप जो है अपने लिप्स को स्क्रब नहीं कर रहे हैं, उस वजह से जो डेड स्किन सेल्स हैं उनकी वजह से आपके लिप्स जो है पिगमेंटेड दिख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं हम कैसे अपने लिप्स का ध्यान रखें जिससे हमारे लिप्स जो है पिगमेंटेड ना हो। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है आप अपने जहन में ये बात उतार लें कि आप जब सो रहे हैं आपको अपने पूरे फेस का मेकअप और स्पेशली अपने लिप्स का जो मेकअप है आपको वो रिमूव करके ही सोना है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे अपने होममेड प्रोडक्ट्स या फिर अपने घर पे इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स से कैसे अपना मेकअप जो है इवन वाटरप्रूफ मेकअप रिमूव कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं बताऊंगी कि आपको अपने लिपस्टिक हटानी है, अगर वो वाटरप्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग है, वॉट एवर इट इज़, आप सिंपली जो है आप अपने मेकअप रिमूवर लीजिए या फिर आप अपना कोकोनट ऑयल लीजिए, पेट्रोलियम जेली को अप्लाई कीजिए, उसे आराम से स्क्रब कीजिए, स्क्रब में मसाज कीजिए, उसके बाद आप उसको टिश्यू पेपर से वाइप कर लीजिए। आपको मेक श्योर करना है कि आप सोने से पहले अपने फेस पे अपने लिप्स पे से सारी चीज़ें हटा रहे हैं। अगर आप ऐसे ही सो जाएंगे और एक दो दिन में कुछ नहीं होता, अगर ये आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप अभी रुक जाइए, अदरवाइज आपके लिप्स और आपका फेस जो है वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में आ सकता है। तो आपको मैं कहूँगी आपको रात को जो है लिपस्टिक या जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपको हटाने हैं 100% तरीके से। उसके बाद आपको जो है अपना लिप बाम या फिर नेचुरली सजेस्ट करूँगी आप घी या फिर ऑयल यूज़ करें, दैट इज़ द बेस्ट। अगर वो अवेलेबल नहीं तो आप पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको रेगुलर बेसिस पे अपने जो लिप्स हैं स्क्रब करने हैं,
गर्ल्स फेस को जैसे स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही आपके लिप की स्किन जो है वो तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपको उसे स्क्रब ज़रूर करना है. अब आप कहोगे कि जो फेस और बॉडी स्क्रब्स है क्या हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं? नो, बिग नो. आपके जो लिप्स हैं उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, आप बिल्कुल यूज़ ना करें. मैं आपको एक होममेड स्क्रब बताऊँगी जो कि नेचुरल है और आप एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड यूज़ कर सकते हैं. आपको क्या लेना है, घर में जो नॉर्मल चीनी मिलती है, दानेदार चीनी, वो लेनी है, और आपको थोड़ा सा लेमन जूस लेना है. और अगर आपके लिप्स बहुत ड्राई हैं तो आपको यूज़ करना है किसी भी तरह का ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कुछ भी, उसे थोड़ा सा ले लें, ज़्यादा ना लें. हर रोज़ नया बनाए, उसे रखें ना. इन्हें लेकर आपको क्या करना है, अपनी लिपस्टिक हटा के उसके बाद आपके लिप्स जो है बिल्कुल साफ़ है, उसके बाद आपको ये स्क्रब लेना है, इसे अपने लिप्स पर मसाज करना है सर्कुलर मोशंस में. उसके बाद से 5 मिनट छोड़ना है, कुछ खाना नहीं है, कुछ हटाना नहीं है उसको. 5 मिनट के बाद उसे पानी से हटाएं और फिर उसको पोंछ लें. इसको आप रोज़ कर सकते हैं और आपको जो है बेनिफिट इसके कुछ ही हफ्तों में मिलेंगे. अगर इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, सबसे पहली बात ये सब कुछ नेचुरल है. लेमन जो है उसमें ब्लीचिंग एजेंट होता है, वो ब्लीचिंग एजेंट खुद होता है, उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके लिप्स को लाइट करेगा और ओरिजिनल कलर लाने में हेल्प करेगा. शुगर जो है नेचुरल सब्स्टिट्यूट होता है एज अ स्क्रब. ऑयल जो है आपको मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा, तो आप इसे एवरी डे सोने से पहले यूज़ कर सकते हैं. दूसरी चीज़ जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसको तभी टेस्ट करें अगर आपके लिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई और फटे हुए नहीं हों, क्योंकि ये आपके लिप्स को और ड्राई बना सकता है. अगर आपके लिप्स नॉर्मल है, ज़्यादा ड्राई नहीं है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. लेकिन इसको, इस रेमेडी को आपको 1 या 2 से ज़्यादा बार नहीं करना है एक हफ्ते में. इसके लिए मैं आपको कहूँगी कोई भी वाइट टूथपेस्ट लें, किसी भी ब्रांड का वाइट टूथपेस्ट लें, उसको क्या करें, मैं लिप्स पे से वही सब कुछ लिपस्टिक वगैरह सब हटा लेना है. थोड़ी सी पतली सी लेयर लेके आपको अपने फिंगर से अप्लाई कर लेना है अपने लिप्स पे. मेक श्योर करें आप कुछ खाएं ना, कुछ पिए ना, और उसको छेड़े भी ना, कुछ बोले भी ना. 5 मिनट के बाद आपको अपना टूथब्रश लेना है और उसको गीला करना है और सर्कुलर मोशन में आपको उसको स्क्रब करना है. ऐसे करने के बाद आप नॉर्मल पानी से उसे साफ करें. मेक श्योर करें पूरे फेस पे ना फैलाएं, बिकॉज अब वो एरिया ड्राई हो सकता है. आपको बस इसी एरिया पे से हटाना है, उसके बाद उसे वाइप ऑफ करना है. उसके बाद लिप बाम इमीडिएटली लगा लें या फिर कोई घी या फिर ऑयल लगा लें ताकि आपके लिप्स ड्राई ना हो. आप जैसे ही उसे हटाएंगे आप खुद ही दिख जाएगा कि वो नेचुरली पिंक जो है कलर वो आ गया है और आपके लिप्स जो है वो बहुत ही फ्रेश पिगमेंट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा उसमें. और आप रेगुलर बहुत ज़्यादा डार्क लिप्स हो चुके हैं तो आपको इसको थोड़ा लंबे टाइम के लिए यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन 1 या 2 बार से ज़्यादा आपको हफ्ते में बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिकॉज आपके लिप्स को बहुत ड्राई बना सकता है. बिकॉज हमारे पास टूथपेस्ट में बेकिंग सोडा होता है जिसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो लाइट ज़रूर करता है आपके लिप्स को, लेकिन ड्राई भी होता है. तो ये सब टिप्स आप फॉलो करिए एंड आई एम श्योर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है, आपके लिए भी वर्क करेगा. आप ज़रूर ट्राई करें और आपको अगर हेल्प मिले तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मेरे को वापस से रिप्लाई मैसेज करें कि आपको हेल्प हुई है या नहीं. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम यू मीट, दिस इज़ मी श्वेता साइनिंग ऑफ.